इवनिंग एवरीवन, मैं डॉक्टर फारूक मन्नूर, मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। टुडे वी आर गोइंग टू अनाउंस ए वेरी गुड न्यूज़ फॉर द पीपल ऑफ गुलबर्गा। मन्नूर कोविड सेंटर, ए यूनिट ऑफ मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, आज गुलबर्गा में एक नया हॉस्पिटल के तौर पर आया है। ख़ास तौर से ये कोविड पेशेंट्स के लिए हम लोग बनाए हैं। क्या क्या फैसिलिटीज है सर ये हॉस्पिटल? ये हॉस्पिटल टोटल 40 बेडेड हॉस्पिटल है। 40 बेडेड हॉस्पिटल में 25 बेड आईसीयू सेटअप है, 5 बेड डिलक्स रूम है एंड 10 बेड जो है ना जनरल वार्ड है। 10 बेड जनरल वार्ड माने सस्पेक्ट, जब पेशेंट बगैर जिसको निमोनिया है, जिसको खांसी है, सर्दी है, बुखार है, या फिर इन कॉन्टैक्ट विद द पॉजिटिव पेशेंट, सस्पेक्ट पहले आएगा, अगर बगैर टेस्ट के आएगा तो सस्पेक्ट वार्ड में रहेगा, उसका टेस्ट कराया जाएगा एंड वो टेस्ट का रिपोर्ट आए तक पेशेंट वहीं रहेगा। जब पॉजिटिव होगा तो उसको अंदर पॉजिटिव वार्ड में रखा जाएगा, नेगेटिव है तो वो वहीं रहेगा सस्पेक्ट वार्ड। बाकी 25 बेडेड जो आईसीयू है, दिस इज़ प्योरली फॉर द पॉजिटिव पेशेंट्स एंड 5 बेडेड डिलक्स रूम सेपरेट पेशेंट्स के लिए है, वहीं भी वो भी पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए रहेगा। रिपोर्ट की टाइमिंग क्या है, सब आउटपुट कितनी देर में मिलेगा, जैसे अगर पेशेंट आगे कोविड टेस्ट करा? आजकल तो आरटीपीसीआर बहुत फास्ट हो रहा है, पहले जो फर्स्ट वेव में जो एक एक दिन वेट करना पड़ता था वैसा नहीं है। Within 4 hours we'll get the report and even rapid RT-PCR is also available within 1 hour. Suppose अगर वो पॉजिटिव निकला तो क्या प्रोसीजर है आपका? बड़े डिफरेंट, मतलब नॉर्मली सब एक ही प्रोसीजर में करते हैं, तो आपके पास एक एक्स्ट्रा क्या ट्रीटमेंट है? जो भी ये हॉस्पिटल को पेशेंट आएगा, मन्नूर कोविड सेंटर जो सत्या हॉस्पिटल बिल्डिंग में सिचुएटेड है, यहाँ जो भी आएगा दैट इज़ एन इधर कोविड पॉजिटिव और कोविड सस्पेक्ट, यहाँ पे नॉन कोविड कोई नहीं आएगा। तो एवरी पेशेंट फर्स्ट जब आएगा हमारे पास, जब व्हेन वी विल गेट ए कॉल, वी विल बी विद आवर टीम विल बी इन द पीपी किट। टोटल कितने हैं डॉक्टर्स की टीम, नर्सिंग स्टाफ टोटल कितने हैं मेंटेनेंस? नियरली 70-80 टीम है, जिसमें कंसल्टेंट अराउंड 15-20 कंसल्टेंट्स हैं एंड नर्सिंग स्टाफ अराउंड 30-40 नर्सिंग स्टाफ है, आईएमआ वार्ड वाइज जो पूरे एक्सपीरियंस्ड हैं एंड पूरे नर्सिंग स्टाफ जो है एक वेल एक्सपीरियंस्ड एंड अच्छा केयर, जो कि कोविड में ज़्यादातर नर्सिंग स्टाफ ही रहते हैं पेशेंट के साथ में। तो उस तरह और एमरजेंसी में एम्बुलेंस वगैरह की क्या सिस्टम? 24/7 एम्बुलेंस सर्विस है हॉस्पिटल के लिए, फॉर कोविड पेशेंट सेपरेट है एंड ऑलरेडी नॉन कोविड के लिए तो हमारा चल रहा है मन्नूर हॉस्पिटल बारेल सर्कल पे, वो अलग रहेगा, ये अलग रहेगा। वैक्सीन का क्या प्रोसीजर है आपका कोविड? ये हमारा वैक्सीनेशन सेंटर नहीं है, ये कोविड पेशेंट को ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल बनाया है, कोविड सेंटर है। अच्छा सर, फर्स्ट स्ट्रेन और सेकंड स्ट्रेन में डिफरेंस क्या क्या है, क्या क्या सिम्टम्स देखे जा रहे हैं? जो सेकंड स्ट्रेन आई है तो वैसे पेशेंट्स में सिम्टम्स क्या डिफरेंट है फर्स्ट और सेकंड में? नहीं, फर्स्ट स्ट्रेन एंड सेकंड स्ट्रेन में स्ट्रेन का मतलब बताता हूँ पहले। जैसे कि एक वायरस का जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर रहता है, वो स्ट्रक्चर को खुद अपना आप चेंज कर देता है वो, तो दैट इज़ कॉल्ड एज एन डिफरेंट स्ट्रेन। तो डिफरेंट स्ट्रेन होने की वजह से जो है ना सिम्टम्स बदल सकते हैं, बट बेसिकली पेशेंट विल प्रेजेंट एज एन निमोनिया पेशेंट्स और जस्ट फीवर और लाइक कोल्ड ऑल्सो, बट बेसिकली कफ, कोल्ड, फीवर, दीज आर द मेन बेसिक सिम्टम्स, ब्रेथलेसनेस ऑल्सो। नहीं, इस तरह की भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं सर कि पेशेंट्स को जो है जो फर्स्ट में सिम्टम्स दिखते थे अभी नहीं दिख रहे हैं वो। हाँ। वो अभी दीज आर, देखिए ये सब बातें लाइक व्हेन आईसीएमआर से जब आएंगे तो तभी हम लोग उसको जो है ना बोल सकते हैं। तो अभी हाँ, इस तरह का वो ये नहीं है जी। सीडीसी गाइडलाइंस भी आएगा, सीडीसी गाइडलाइंस से जो है ना क्या सिम्टम्स रहे तो करना है। अभी जो रिसेंट गाइडलाइंस आएंगे सेकेंड स्ट्रेन के लिए ऐसा तो पता चलेगा। ऐसा कोई केस आपकी नजरों से गुजरा है या फिर आपकी स्टडी में ऐसा केस कोई आया है कि भाई उसमें सिम्टम्स नजर नहीं आ रहे थे, फीवर भी नहीं था, कफ भी नहीं था, फिर भी पॉजिटिव आया, ऐसा कोई आपकी स्टडी में केस वगैरह है? नहीं नहीं, अभी तक तो हम लोग नॉन कोविड डील किए हैं ना, तो आज ही मेडिकल वैसा नहीं है, अभी तक तो वैसा कुछ ये नहीं है, बट डिटोरेट जल्दी हो रहे हैं पेशेंट इस बार जो सेकंड स्ट्रेन में, लेकिन पेशेंट आज ठीक था, इमीडिएटली सेकंड डे पेशेंट इज बिकमिंग वेरी बैड। इन फर्स्ट लाइक फर्स्ट वे में जो है ना पेशेंट डिलेड रहता था, 8-10 दिन तक पेशेंट तक ये होता था, लेकिन इमीडिएटली यहाँ पे थोड़ा सडन डिटोरेट हो रहा है बोल के ऐसा कंसल्टेंट्स की पल्मोनोलॉजिस्ट ऐसा बता रहे हैं। सर, पेशेंट्स के लिए रूम्स के क्या फैसिलिटीज हैं, जैसे कि सिर्फ जनरल वार्ड होता है या कुछ आपके पास अलग स्पेशल से डिलक्स रूम वगैरह है, क्या क्या? जनरल वार्ड है, डिलक्स रूम है 5 एंड आईसीयू है, एंड इन लोगों को जो है ना 5 सभी पेशेंट्स को जो है ना फूड प्रोवाइड फ्रॉम आवर सेल्फ ओनली, सूट रूम भी है एक एंड वीआईपी लोगों के लिए भी है एंड इवन गरीब तबके के लिए भी है, सभी
लोगों के लिए यहाँ पे फैसिलिटीज़ दिया गया है। पेशेंट को जो है ना थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए जो है ना न्यूज़पेपर्स प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग, एंड उनको जो है ना टीवीज प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड पेशेंट को जो है ना हिम्मत रखना रहता है, तो उस तरीके के जो है ना हमारे पास नर्सिंग स्टाफ है जो उनको पेशेंट को जो है ना फैमिली एनवायरनमेंट देने के लिए। सर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल स्टार्ट करने के बाद? देखिए हम तो एक सर्विस देने के इरादे से हम आए हैं, तो कोविड का भी जब काफ़ी पेशेंट हमारे हॉस्पिटल आ रहे थे, तो कैजुअलिटी से हम लोग जब सस्पेक्ट है तो जो है ना उसको हम जो है ना एक आइसोलेशन वार्ड में रखते थे, जब पेशेंट पॉजिटिव आता तो उसको जो है ना कोविड सेंटर शिफ्ट कर रहे थे। लेकिन अब काफ़ी पेशेंट रहते हैं कि वो एक ही डॉक्टर पे भरोसा रखते हैं और एक ही अपनी टीम पे भरोसा रखते हैं, तो काफ़ी लोग जाना नहीं चाहते थे, नहीं आप ही ट्रीटमेंट करो, तो नहीं ऐसा नहीं होता है, बल्कि जो है ना हम लोग काफ़ी पेशेंट को शिफ्ट किए, तो बिकॉज ऑफ द रिक्वेस्ट ऑफ द पेशेंट्स यह काम अभी थी कोविड सेंटर। सर अभी ये टाइम पे ज़्यादा करके पेशेंट्स को होम आइसोलेशन रखा जा रहा है, जिसको 860 के अबोव है उन्हें ही सिर्फ आइसोलेशन वार्ड भेज दिया जा रहा है, ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, किस तरह से आप कर रहे हैं? होम आइसोलेशन इज गुड फॉर द पीपल हु आर यंग, नॉट फॉर द एल्डर पीपल और नॉट फॉर द ओल्डर पीपल, एंड दोज हु डोंट हैव सिम्टम्स वी कैन कीप देम होम आइसोलेशन अंटिल एंड अनलेस उनको कुछ कोमॉर्बिडिटीज़ ना हो, जैसे कि बीपी है, शुगर है, या फिर हार्ट की प्रॉब्लम है, जो भी कोमॉर्बिड पेशेंट है इट इज़ बेटर टू शिफ्ट टू द हॉस्पिटल, ना कि घर पे ही रह के आइए। चिल्ड्रंस में किस तरह से कर रहे हैं सर? पीडियाट्रिक में तो ज़्यादातर कोविड नहीं दिख रहा है, ना पहले भी था ना और इस बार भी ज़्यादा नहीं दिख रहा है। तो गुलबर्ग के आवाम को क्या कहना चाहेंगे सर आपके नए कोविड सेंटर के लिए? काफ़ी लोग कोविड का डर तो चला गया है लोगों से, और वो बगैर मास्क एंड बगैर कुछ प्रिकॉशंस के जो है ना मार्केट में इधर उधर दिख रहे हैं, तो वो यही कहना चाहता हूँ कि मास्क यूज़ करें एंड सैनिटाइज़र हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करें, जब भी अपने आप को कुछ सिम्टम्स महसूस करें तो इमिडिएटली आके चेक करवाएं। आपके जो ऑन ड्यूटी जो डॉक्टर्स रहेंगे, खास करके जो कोविड पेशेंट्स आते हैं एकदम डेंजरस कहलाते हैं, जी जी, तो आपके डॉक्टर्स को आपके स्टाफ को आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे चलते चलते? वो तो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस हैं कि जो कोविड एम्प्लॉयज़ हैं वो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस को जो फॉलो करना है, एंड एवरी पेशेंट इज एन पेशेंट, इधर इट इज़ कोविड और नॉन कोविड, सो ट्रीट एज मच एज गुड। कॉन्टैक्ट नंबर सर कॉल करने के लिए? चार कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए हैं, हॉस्पिटल का कॉन्टैक्ट नंबर भी अलग है, एक मन्नूर कोविड सेंटर स्पेशल, जिस तरह से आरोग्य कार्ड है वो सभी यहाँ पे अप्लीकेबल होंगे? अभी तो कुछ आइडिया नहीं है उसका, अभी कुछ किया नहीं। उस तो जो रेट प्लान है सर वो कर्नाटका गवर्नमेंट के हिसाब से दिया गया, उसी पे चलेगा? हाँ, जो भी हमको गवर्नमेंट बोलेगा डेफिनेटली विल हेल्प, जिस तरह से गवर्नमेंट से हमको गाइडलाइंस आएंगे वो हम फॉलो करेंगे डेफिनेटली, गवर्नमेंट के गाइडलाइन से आप लोग? हाँ फॉलो करेंगे, जिस तरह से DHO सर हमको बताएंगे कि क्या क्या करना है, डेफिनेटली विल डू। यस यस सर, आज ही हमें मिला है परमिशन, तो We'll follow all the... Yeah, yeah.